मंडी शहर में हनुमान घाट के समीप बनाए गए शमशान घाट में शवदाह के समय निकलने वाले धुएं से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक शमशान घाट में उचित व्यवस्था न करने के कारण शवदाह के समय निकलने वाले धुआं उनके घरों को भी दूषित कर रहा है और लोगों का घरों में भी सांस लेना दूभर हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले शमशान घाट की व्यवस्था नदी के किनारे थी और इस शमशान घाट की सुविधा केवल स्थानीय वासियों के लिए ही थी, लेकिन अब दूरदराज क्षेत्र के लोग भी इसी शमशान में मृतकों का अंतिम संस्कार करने के लिए आ रहे हैं। स्थानीय वासियों ने बताया कि उन्होंने प्रशासन और सरकार से प्रदूषण मुक्त शमशान घाट के निर्माण की मांग की थी, लेकिन वास्तविकता में स्थानीय वासी प्रदूषण में रहने को मजबूर हैं। वहीं लोगों ने सरकार से मांग की है कि इस शमशान में उचित व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को प्रदूषण मुक्त वातावरण मिल सके। मैं हरिश्चंद्र पहल, स्थानीय निवासी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यहाँ जो ये शमशान घाट में मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था की गई है, इसके लिए मैं आपका ध्यान थोड़ा पीछे की ओर ले जाना चाहता हूँ। पहले ऐसी कोई भट्टियाँ वगैरह यहाँ नहीं थी। यहाँ से 150-200 मीटर दूर दरिया के किनारे जो हैं वो मृतकों का संस्कार किया जाता था और वर्ष में बड़ी मुश्किल से 5-6 मृतकों का संस्कार होता था, क्योंकि सारे ये नहीं होता था। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि और बाद में जो है यहाँ साथ में नीचे दरिया के किनारे और उसके बाद चढ़ते चढ़ते यहाँ लोगों ने जो है कुछ भट्टियाँ तैयार की, और यहीं के नहीं बल्कि क्योंकि ये स्थानीय लोगों के लिए था, इधर उधर के और यहाँ तक कि अब तो दूर दराज के लोग भी यहाँ मृतकों का अंतिम संस्कार करने के लिए आ रहे हैं। उनकी ये भावना है कि सार्वजनिक संस्कार भी का जो है स्थान है, जबकि वास्तविकता ये है कि सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए है, जिसके लिए लोगों की एक मांग थी कि यहाँ धूल बदबू और इतना धुआं होता है जिसके कारण स्थानीय लोगों का रहना जो है दुर्भर हो गया है, बिल्कुल मुश्किल हो गया है, जिसके लिए मांग थी। और उसके लिए हमारी स्थानीय संस्थानों ने प्रयास किए, लेकिन क्या प्रयास किए, किस तरीके से किए, इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। आज बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि सरकार द्वारा नीचे से ऊपर आकर आप देख रहे हैं कि आबादी के बिल्कुल साथ जो है ये 4 खुले में जलाने के लिए भट्टियां तैयार कर दी गई, जबकि लोगों को गुमराह किया गया है, यहाँ के लोगों को, कि यहाँ प्रदूषण मुक्त व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, सरकार की इच्छा, सरकार जो चाहे कर सकती है, लेकिन आप जानते हैं कि आजकल COVID-19 यानी कि कोरोना के केसेस भी चल रहे हैं। आपको पता होगा पीछे 2 दिन पहले खिलैर के हमारे महानुभाव पीड़ित हुए, ये तो उनका टेस्ट हो गया, नहीं तो उनको भी यहीं आकर जलाया जाना था। और भी पता नहीं, क्योंकि बिना टेस्ट के कोई पता नहीं चलता कौन बीमार है कौन ठीक है, तो इस तरह से पता नहीं कौन कैसे कब यहाँ जला दिया जाए। और ये प्रदूषण, ये बदबू, ये गंदगी जो है सारे इस क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरे मंडी क्षेत्र को जो है शमशान घाट बना देगी, जैसा कि लोगों की इच्छा की शमशान घाट। शमशान घाट यही नहीं रहेगा बल्कि पूरा मंडी जो है वो शमशान घाट बन जाएगा अगर इसी तरीके से व्यवस्था रही। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यहाँ 13-14 जगह में मंडी नगर परिषद क्षेत्र में ही ये व्यवस्था है। खलैर में है, प्राणी मंडी में है, भ्यूली में, वहाँ आप स्वाली खड्ड में चली जाएं वहाँ 2 जगह है, गुरुद्वारा के नीचे पड्डल में है, यहाँ साथ में जो हमारे राजा वगैरह के थे वहाँ साथ में जलाए जाते थे, और उस तरफ जो है सैंड के नीचे वहाँ गोल पैड़ियों के पास और उससे आगे जो हमारे मंत्री जी हैं उनकी कोठी के नीचे जहाँ स्क्वाडी खड मिलती है वहाँ, और जो बाहर के लोग थे वो विक्टोरिया ब्रिज के साथ जलाए जाते थे, और इसके साथ ही पुल घाट के दोनों तरफ भी व्यवस्था है, मगवाई के गुरुद्वारे के नीचे भी व्यवस्था है, लेकिन सुविधा नहीं है। सरकार को चाहिए सब जगह सुविधा दी जाए ताकि लोग फायदा उठा सके। और आप अगर देखेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, तो सारे शमशान घाटों की अपेक्षा सिर्फ एकमात्र ये शमशान घाट है जो कि आबादी के बिल्कुल साथ है।
हमारी सरकार से अपील है, विनम्र निवेदन है कि आजकल जो कोविड चला हुआ है, अगर इस तरह से आते रहे, चारों तरफ से होता रहा, इसके ऊपर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जाए जब तक प्रदूषण फ्री नहीं होता। प्रदूषण फ्री से मतलब हमारा ना तो धूल हो, ना बदबू हो और ना किसी तरह का धुआं फैले। ना कि प्रदूषण फ्री का मतलब यह नहीं कि सिर्फ धुएं को एक कर दिया, इससे सारा शहर जो है खत्म हो जाएगा। यही हमारी प्रार्थना है कि सरकार तत्काल प्रभाव से ये जो कूले में मृतकों का संस्कार किए जा रहे हैं इसको बंद कराया जाए और प्रदूषण फ्री जो है व्यवस्था शीघ्र की जाए। वैसे आप हैरान होंगे, अगर ब्यास नदी के ऊपर से जहाँ से ब्यास कुंड से लेकर अंतिम छोर तक जाएं तो यही एकमात्र ऐसा स्थान है जो जहाँ ये शिव धाम बनाया जा रहा है। यहाँ आप जानते हैं गणपति उत्सव मनाया जाता है, दशहरा जो दूसरा नहाने का ये होता है वो मनाया जाता है, कई उत्सव मनाए जाते थे, सुबह शाम लोग यहाँ आकर बैठते थे, लेकिन कुछ एक खुदगर्ज लोगों के कारण आज इसको शमशान घाट इसी को नहीं बल्कि पूरे शहर को मनाया जा रहा है, जो कि बहुत दुख की बात है। हमारी ये मांग है कि इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और प्रदूषण मुक्त जब तक व्यवस्था नहीं होती उस वक्त उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। यही हमारी सरकार से उम्मीद है, यही आशा है और हम आपके आभारी हैं कि यहाँ की समस्या को समझते हुए आप यहाँ आए। तो आज अगर आप घरों में जाकर देखें तो धुआं, बदबू और इतना दूर पड़ती है, ना तो बाहर बैठ सकते हैं और ना ही कपड़े वगैरह डाल सकते हैं, ना बच्चे बैठ सकते हैं, कितनी बीमारी फैल रही है, क्या कुछ हो रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं पुनः आप सबका यहाँ का एक स्थानीय निवासी होने के नाते धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम नलिनी बहल है, हमारा घर बंगला मोहल्ला नियरेस्ट शमशान घाट के पास है और जब यहाँ पे डेड बॉडियाँ लाई जाती है तो हमारा घर पूरा धुएं से भर जाता है, हमारा बाहर निकलना मुश्किल, खाना पीना मुश्किल। आप अगर चाहे तो हमारे घर आके उस टाइम देख सकते हैं, एक टाइम ही यहाँ पांच पांच, कभी छः छः, कभी तीन डेड बॉडियाँ जलाई जाती है।